चला गया था, कोई करने वाला है नहीं, अकेली परेशान होकर सब कुछ की। तो देखो उधर किसका म्यूजिक चल रहा है, कोई म्यूजिक बंद करो। इसके बाल कौन चले गए भाभी? उड़ा दिए इसने, पति फुल उड़ा दिए। ये तो खाट पे ना लेटता, ये चली डाल रहा है, और जमीन नहीं, जमीन से हो रहे हैं ये। तेल तो लगा दे भैया, वीडियो में सबसे बड़ा शेर खान खड़ा है बीच में। सबसे बड़ा हमें इससे यही है, सबसे बड़ा है ना रे, सो रहा है ना, गुस्सा कर रहा है भूमि को। ये भाई टोपी वाला, अभी तो कमरे में ही ना है बेचारा, टोपी वाला। यहाँ पर है गन्ना दोस्तों, और काफी ज्यादा मैं भी खाना खाऊं। रुक जाओ, देख सकते हैं दोस्तों सब लोग जा रहे हैं। अरे वहीं पे होंगी वो, देखो आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, चलो चलो पीछे हो जाओ। ये मैं ले लिया दीप, और ये लेकर चलो पीछे हो जाओ, इधर 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 आधा इधर, वहाँ क्या करता था। तो देख सकते हैं दोस्तों, बाबू का ममता रखी थी कि मगर बाबू हो जाएगा तो मैं लेटते हुए जाऊंगी, इसलिए लेटते हुए चल रही है। देखिए आंटी भी आ गए, भाभी भी आ गई, इधर बाबा हैं, इधर दादी है मेरी, उधर पापा हैं जो चल रहे हैं, और इधर मैं देख लिया हूँ तो साथ में चल रहा हूँ। वीडियो में देखिए कितना कठिन होता है ये परम। मेरा ये मनोकामना की माता है, माता लोग हंसते हैं। मुझे भी गायक नजर आगे बना, तुम कह रहे पीछे रहो। देख सकते हैं दोस्तों मैं सबसे आगे हूँ, क्योंकि मैं दीप लिया हूँ। यहाँ पर चीनू है, तुम्हारा नाम चीनू है ना, चिंटू है, यहाँ पर वंश है, सब लोग हैं, और यहाँ पर सुल्लू है, जो कि देख सकते हैं कितना कठिन पर्व होता है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, कैसे छठ व्रत किया जाता है आपको हम दिखाएंगे, ब्लॉग में बने रहिए। बस हे छठी माता, आपसे यही अनुरोध है कि जिस तरह सुल्लू का ये मनोकामना पूरा कर दिया, आज मैं आपसे एक मनोकामना कर रहा हूँ कि मुझे भी उस लायक बना दो सुपर स्टार गायक भोजपुरी का, जो कि मैं भी चाहता हूँ कि जिस लेवल पे पहुँचना चाहता था, पहुँचना चाहता था उस लेवल पे मुझे पहुँचा दो हे छठी माता। मैं भी एक दिन ऐसे ही चलता जाऊँगा आपके दरबार में, बस मुझे पहुँचना। नहीं, एक साथ में पकड़ कर चलो, आगे से तू पकड़, नीचे चला, पकड़ लो, दो दो पकड़ लो, कोई नहीं पकड़ लो, दो इसको दे दो, तो मैं पकड़ लूं। हाँ पकड़ लो, ये वाले बीच में खाले करो, देख सकते हैं दोस्तों, दोस्तों सुल्लू थक गई है, बिल्कुल थक गई है दोस्तों। और हे छठ मैया, इसके ऊपर कृपा बना लो आप, अपनी कृपा बना लो, क्योंकि ये पूरा 1 किलोमीटर है दोस्तों, और 1 किलोमीटर से ही 1 नहीं 1.5 किलोमीटर होगा ये, और ऊपर से छठ व्रत है, ऊपर से ऐसी है, तो देख सकते हैं दोस्तों पूरा जाम लग गया दोस्तों। और ये रहा गेट, हम लोग आ गए हैं, जय छठी मैया, जय छठी मैया आपके दरबार में आ गए। बस कुल्लू को आप हिम्मत दो, आप उसको में जाकर समा जाओ छठी माता, ताकि उसको, और वो आपके दरबार में तो आ गई,
मगर बहुत थक गई है मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आप अगर हैं तो नहीं थकेगी, अगर आप हैं तो नहीं थकेगी। हम लोग मेन गेट पे आ गए दोस्तों, बाकी वहाँ पर पीछे पापा भी थके हुए हैं क्योंकि टोकरी लेने हैं और सब उसके साथ में जाएंगे। सभी लोग थके हुए हैं, पूरे परिवार पे आप कृपा बनाए रखना, सब मम्मी पापा भाई बहन दादी बाबा सुल्लू हम और मेरा छोटा सा बाबू, उसका नाम आर्या है और मम्मी ने अनुग्रह नाम रखता हूँ, मैं प्यार से बुलाता हूँ मम्मी, उसके ऊपर कृपा बनाए रखना और उसके ऊपर बहुत कृपा बनाए रखना कि देखिए बच्चे के लिए कितना अच्छा। यही कहेंगे हे छठी मैया हमारी भी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो। जय, ये देखिए मेरा बाबू को दोस्तों ऐसा लग रहा है कि लेट हो जाएगा, बाकी छठ मैया हैं जो भगवान को डूबने नहीं देंगी क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा काम हो गया है और लेट हो गया दोस्तों, क्या करें पैसे का अभाव के चक्कर में मैं काम पे और कुछ व्रत है दो दिन से, आप लोग देखते हैं गाड़ी का जाम लग जा रहा है देखते दोस्तों, तो इसी वजह से लेट हो गया। बाकी कोई बात नहीं, गए छठी मैया मनोकामना जितने भी लोग अपने अपने मन में मनोकामना लिए सबकी मनोकामना पूरा करना है छठी मैया, और हमारा भी मनोकामना पूरा करना और फिर लोग की मनोकामना पूरा करने के लिए आपको बहुत बहुत ही धन्यवाद। कितना धन्यवाद करो बहुत ही कम है, बस गए छठी मैया। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर गाड़ियों के जाम लग जा रहे हैं क्योंकि ये रोड जो है नजफगढ़ का जो अनाज मंडी जो वाला रोड है आता अंदर आता है और ये ना देखिए कितना भीड़ लगा हुआ वाले लेट ना हो जाए सूर्य होने को पूरा एकदम देखने लगा लेट ना हो। बोलो उसका हाथ पकड़ लो ना, ये बहुत ही अच्छा मतलब क्या बोलते हैं फर्ज अदा कर रही हैं छठी मैया, इनको हमेशा पूरे परिवार खुश रखते हैं, उसको देख सकते हैं वहाँ से ही पूरे मतलब बाहरते नहीं है धूल मिट्टी जैसे झाड़ू से लगा तो ऐसे सॉल से लगा रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है उसको जो छठी मैया कितना अच्छा दृश्य लग रहा है। और इधर का दृश्य देख लीजिए देखिए सुन थक गई है और घूम रही है, रोना नहीं चाहिए हमर खा जाता है दोस्तों मैया कहने लगी आज बाबा पापा हैं बाकी मेरी बहनें मेरी माँ नहीं है फिर मुझे पूरा विश्वास है मेरी माँ भी आएगी मेरे बाबू के लिए मांग के कोई कितना भी गलत हो उससे नहीं मन लगा। देख सकते हैं दोस्तों दोस्तों हम लोग देख सकते हैं अंदर आ गए हैं, कितना सुंदर लग रहा है मतलब लाइट वाइट लगा हुआ है वहाँ पर जय छठी मैया छठी मैया की जय। बोले छठी मैया की जय। देखिए आ गए हम लोग छठी मैया के दरबार में,
छठी मैया का कितना अच्छा लग रहा है। छठ पर्व जय छठी मैया, बस ऐसे ही मनोकामना पूरी करती रहना सबकी। वो लोग, कुछ लोग कहते हैं इस पूजा को अंधविश्वास, जो लोग नहीं मानते हैं, बहुत लोग अंधविश्वास कहते हैं। दोस्तों, कोई भी धर्म हो, कोई भी देवी देवता हो, किसी भी धर्म की, मैंने एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप सच्चे दिल से मानोगे तो आपकी मुरादें भी पूरी होंगी, आपकी काम पूरी होंगी, हमेशा खुश भी रहोगे। तो देख सकते हो, ये वो कमाल है, साक्षात मैं दिखा रहा हूँ बिना मतलब दवा कराया, जबकि डॉक्टर ने कमी भी बता दी थी। बिना मैं अपनी छठी मैया की कसम खा कह रहा हूँ, एक रुपये की दवा उसकी नहीं हुई थी। बस एक बार चेकअप हुई थी और चेकअप में एक मतलब फीस वगैरह जो लगते वही लगे थे 250। और उसके बाद डॉक्टर ने बोला था दवा चलेगा, इसका एक एक्सरे भी लिया जाएगा, इसका अल्ट्रासाउंड बोलते उसके हिसाब से दवा चलेगा। लेकिन छठी मैया को उसने रो रो कर मानी और आज मनोकामना पूरा हो गया। इसका बोली थी मैं ऐसे छठ घाट पर जाऊँगी दोस्तों, देखिए आज छठी मैया पूरा की, इसका भी फर्ज बनता है जो छठी मैया से बोली थी कर रही है। और मैं आज ऑन कैमरा छठी मैया से ही मांगता हूँ कि छठी मैया मेरे पूरे परिवार पे आपकी कृपा बनी रहे और मुझे उस लायक बना दो। लोग हंसते हैं तो मुझे, मैं भी एक अच्छा गायक बनना चाहता हूँ, सुपर स्टार मतलब सबके दिलों पे राज करना चाहता हूँ। तो छठी मैया, आप हमें पूरा विश्वास है, आप हमें ज़रूर उस लायक बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, देखिए इतना कठिन पर्व होता है, ब्लॉग में बने रहिए। देखिए यहाँ पर गोलू है, वहाँ दादी है, बाबा है, टोकरी लिए पापा हैं। और दोस्तों, मेरी मम्मी नहीं है, इस बात का मुझे बहुत दुख है, क्योंकि ऐसी कुछ हम लोग दुख है मम्मी, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी माँ भी खुश होगी और मुझे पता है कैसे बने रहिए। तो दोस्तों, देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है और हमने आवाज़ इसलिए म्यूट कर दिया क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था, इस वजह से हमने आवाज़ को म्यूट कर दिया। और दोस्तों, देख सकते हैं कितना भीड़ है और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि सुल्लू ने जो मान्यता रखी थी कि मैं पूरी ज़मीन को नाप कर जाऊँगी, इसलिए नाप करवाई थी, तो इस वजह से मुझे लेट हो गया था और कुछ पैसे के कारण की वजह से लेट हो गया क्योंकि हम काम पे चले गए थे। अगर नहीं जाते तो मालकिन बोलती कि तुम काम पे क्यों। देख सकते हैं दोस्तों, सुल्लू बिल्कुल थक चुकी है क्योंकि दोस्तों नाप नाप कर चल रही थी और रो रही थी, इसलिए रो रही थी कि मतलब छठी मैया उसकी मुराद पूरी कर दी, और खुशी से रो रही थी, खुशी के आंसू रो रही थी। देख सकते हैं दोस्तों मतलब कितना कठिन होता है छठ व्रत। मुझे थोड़ा खांसी आ रहा है दोस्तों क्योंकि मेरा गला जो है खराश है, और देख सकते हैं। और ये आंटी जी बहुत ही अच्छी हैं, जो कि बहुत अच्छा इन्होंने अपना फ़र्ज अदा किया, छठी मैया इनको हमेशा खुश रखें। और ये देख सकते हैं भीड़ काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, हम लोग लेट हो गए ना, इस वजह से भीड़ और भी ज़्यादा। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम जो है फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहे हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और देख सकते हैं ये आगे पीछे सुल्लू जोड़ दिए व्लॉग को, इस वजह से सॉरी दोस्तों। बाकी दोस्तों देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब लोग दिल्ली में भी कितना ज़्यादा छठ करते हैं, काफ़ी सारा भीड़ था दोस्तों। और सुल्लू देख सकते हैं बाबू को रख दी है, अब बाबू को रखने के बाद उसको मतलब नागेगी, नाग का मतलब एक उसको पार करेगी। देखिए दोस्तों किस तरह कर रही है, बहुत कठिन व्रत होता है दोस्तों, मगर आप श्रद्धा मन से करेंगे तो कभी भी कठिन नहीं होगा। अभी बाबू को देखो लेकर रोने लगी, क्योंकि बाबू को देख कर ये मतलब खुश हो गई, कि खुशी से रोने लगी, मगर रोने लगी क्योंकि इसको बाबू छठी मैया ने दी थी बहुत मतलब बिना दवा का, बिना कहते हैं ना जब किसी चीज़ का आशीर्वाद प्यार मिलता है ना, तो बिना दवा का भी भगवान की दुआ सबसे बड़ी चीज़ दवा होती है, डॉक्टर भी बोलता है भगवान की दुआ करो। और दोस्तों हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, देख लिए सभी जितने भी औरतें थी वर्ती थी सभी तिवई बाहर निकल रही थी क्योंकि दोस्तों सूर्य भगवान डूब चुके थे। वैसे तो समय ज़्यादा नहीं हो रहा था, 5:30 बज रहा था, 5:30 नहीं, लेकिन सब लोग बाहर निकल रहे थे। हम लोग लेट हो गए थे, सुल्लू के मतलब नाप कराई थी इस वजह से, और थोड़ा सा हम लोग घर से पहले ही लेट हो गए थे, तो इस वजह से दोस्तों। बाकी छठी मैया की कृपा से हमारा भी ले रहे हैं सुल्लू।